हेलो गाइस सो आई होप एवरीवन इज गुड अब हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ हाउसेस वी हैव एंड आल्सो द दिस पर्टिकुलर सीरीज विल बी कंटिन्यू फॉरवर्ड इन व्हिच विल कंसीडर द द पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू हैव टू बाय अ हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम सो इवेंचुअली ऑल ओवर जो वीडियोज हैं ये आपको हेल्प करेंगी कि अगर आप घर पहली ले रहे हो या आप कनाडा में नए आए हो आपको नॉलेज नहीं है या आइडिया नहीं है या थोड़ा बहुत आपको एक बेसिक uh, ओवरव्यू uh, चाहिए कि किस तरह घर को चूज़ करें। we'll, we'll so, uh, है, करेंगे विल विल ट्राई टू मेक ए कन्वीनियंट फॉर यू ऑल तो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस हैं पहले हम शुरू करेंगे डी हाउस से सो डी टैच हाउसेज सबसे ज़्यादा फेमस हाउसेज होते हैं एंड दे आर द बेस्ट बाय टू गो फॉर फॉर द इन्वेस्टमेंट परपज एंड दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव आउट ऑफ द ऑल कलेक्शन वी हैव थोड़े महंगे पड़ते हैं बट इनका ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा तो ये जो हाउस है बेसिकली एक लैंड है एक लैंड पे स्टैंड ऑल ऑन हाउस होता है विच इज नॉट यू नो कनेक्टेड टू एनी अदर हाउस नियर बाय तो एक फ्री प्रॉपर्टी एक फ्री हाउस है इसकी एक इमेज मैं पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्ट uh, uh, जैसे मैं बोलता रहूंगा साथ में तो आपको इजी रहेगा विजुअली हेल्प करेगा आपको देखने में कि कैसा है कैसा नहीं जो बेसिकली डिटैच हाउस होता है ये स्टैंड ऑन हाउस होते हैं सो so, डिटैच भी दो तरह के होते हैं एक तो होता है बंगलोज में एक होता है टू स्टोरीज में तो so, जो बंगलोज होते हैं ये लो राइज होते हैं एंड uh, इसमें क्या रहेगा बंगलो में एक फ्लोर प्लान होगा इन दिस इज ओनली सिंगल मेन फ्लोर उसी में आपके बेडरूम्स किचन एंड वॉशरूम होते हैं ऑब्वियसली सेपरेटेड बाय द वॉल्स बट इसमें कोई सेकेंड लेवल नहीं होता है सो so, इसका फायदा क्या है इसमें लैक ऑफ स्टेयर्स हैं सो एनी नो है so, anyone, you know, आपको घर पे जा रहा ऊपर नीचे स्टेज पे नहीं चढ़ना उनके लिए बहुत बेनिफिशियल uh, हाउस रहता है और ये नाइन्टीज में बहुत फेमस रहे थे बंगलोज अभी बंग्लोज इतने बनते नहीं है अभी ज़्यादातर हैं है। तो टू स्टोरीज हाउस बनते हैं तो सेकेंड कैटेगरी इन द डिटैच इज़ द टू स्टोरी हाउस तो टू स्टोरी रहते है, दो लेवल्स में होते हैं जिसमें क्या रहेगा मेन फ्लोर पे जनरली आपका फैमिली रूम आपका लिविंग रूम एंड किचन होता है एंड अ पाउडर रूम एंड सेकेंड फ्लोर पे आपके सारे बेडरूम्स होते हैं तो ये तो डिटैच हाउस जो सबसे ज्यादा फेमस एंड मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस में होते हैं तो ये एक ल, एक लेट्स से ए वन लैंड अ डिटैच हाउस नथिंग ऑन द साइड्स नो हाउस आपका सेपरेट गैराज है सेपरेट पार्किंग है इन फ्रंट ऑफ द हाउस और सेकेंड टाइप ऑफ हाउस होता है ये होता है लिंक हाउस अब लिंक हाउस क्या रहेगा लिंक हाउस अधिकतर दिखने में हमें डिटैच की तरह ही लगता है बट इसमें कोई ना कोई पार्ट शेयर रहता है जैसे द गैराज इज कनेक्टेड वॉल बाय वॉल और द बेसमेंट फाउंडेशन इज कनेक्टेड थ्रू द सेकंड हाउस बट ऊपर से आप देखोगे घर आपको अलग दिखेगा सो इट गिवज एन एल्यूजन फॉर अ डिटैच हाउस बट जनरली दे आर बिन लिंक थ्रू अ गैराज और थ्रू अ बेसमेंट वॉल तो उससे कनेक्टेड रहते हैं दे आर देश द डिटैच वन बट दे आर मोर एक्सपेंसिव देन आर थर्ड चॉइस आर थर्ड पॉइंट थर्ड टाइप ऑफ हाउस विच इज सेमी डिटैच सो सेमी डिटैच हाउस कैसा रहता है सेमी डिटैच हाउस में क्या रहेगा दो घर होंगे जिनकी वॉल शेयर रहेंगी इसकी भी इमेज लग जाएगी ऊपर सो विच मीन द हाउस लाइक दिस सो एक तो घर so, की वॉल्स होती हैं वो कॉमन शेड होती हैं बट पार्किंग आपकी सेपरेट है और आपका ड्राइववे भी सेपरेट है और गैराज भी आपका सेपरेट रहता है जो सेमी डिटेच होम्स होते हैं जो जैसे आपके घर दो जुड़े हैं ये मिरर इमेज होती है दोनों घरों की लाइक दे आर सिमिलर हाउसेज द से हत्या क्या रहेगा गिराज का हो सकता है पेंट का फर्क हो या थोड़ा बहुत एक्सटीरियर का डिफरेंट हो सकता है वो भी माइनर होता है ज्यादा नहीं होता जनरली जो बिल्डर बनाता है सेमी डिटैच वो मिरर इमेज बना तो जो सेमी डिटैच होते हैं ये चीपर होते हैं डिटैच और लिंक हाउस से एंड इट इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर सेमी डिटैच बट सेमी डिटैच भी जो प्री कंस्ट्रक्शन में आजकल जो घर बन रहे हैं वो थोड़े से कम हो गया बनना जो थर्ड हमारा टाइप ऑफ हाउस है दट इज कल्ड टाउन हाउस विच इज रियली फेमस अमंग द न्यू होम बायर्स एंड ट्रेंड में भी बहुत ज्यादा हैं तो टाउन हाउस में क्या रहेंगे टाउन हाउस इज अ रो ऑफ टाउन हाउस लेट्स अ लैंड पार्सल ऑफ लैंड इन विच मल्टीपल हाउसेज आर मेड विच आर कनेक्टेड टूगेदर तो फॉर एग्जाम्पल छः घर की सीरीज है छह घर एक साथ जुड़े रहेंगे इनकी वॉल्स कॉमनली शेड रहेंगी पार्किंग इनकी भी इंडिविजुअल सबकी होती हैं बट जो एंड के दो यूनिट होंगे वो दे लुक लाइक अ सेमी डिटैच विच मीन्स वो एंड यूनिट है उनके साइड में कोई घर नहीं है जो थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं बीच वाले हाउसेज कंपेरेटिवली सो अगेन टाउन हाउस इज अ रो ऑफ हाउसेज इन विच द लास्ट टू यूनिट्स आर एंड यूनिट नथिंग इज बी कनेक्टेड रेस्ट ऑफ द हाउस में सबकी वॉल्स कॉमनली शेड रहती हैं और टाउन हाउस में बहुत तरह के हाउस होते हैं फॉर एग्जाम्पल टू स्टोरी और थ्री स्टोरी बट जो आजकल फेमस हैं जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं स्टैक टाउन हाउस जिसमें क्या रहेगा एक घर बना हुआ है ऊपर के दो आपके फ्लोर है और नीचे का जो फ्लोर है वो किसी और का है विच मीन्स थ्री स्टोरी टाउन हाउस बना है ग्राउंड फ्लोर जो सस्ते वाला रहेगा जिसमें अधिकतर दो बेडरूम रहते हैं वो किसी ने बाय करा होता है और उसके ऊपर के जो दो फ्लोर हैं वो किसी और ने बाय करा होता है इट्स लाइक अ फ्लोर सिस्टम जैसे हमारे इंडिया में होता है बट फ्लोर सिस्टम में सिंगल सिंगल फ्लोर्स होते हैं इसमें क्या रहेगा आपके टू स्टोरी यूनिट सेपरेट है एंड वन मेन फ्लोर सेपरेट किसी के पास है एंड जो आजकल ये जो स्टैक टाउन हाउस बन भी रहे हैं इनके पीछे ये बैक यार्ड नहीं बन रहा ये टच करते हैं स्टैक टाउनर्स बैक टू बैक स्टैक टाउनर्स बनते हैं दे आर लाइक कनेक्टिंग लाइक दिस सो विच मीनस दे कनेक्टिव फ्रॉम द साइड दे कनेक्टिंग फ्रॉम बैक टू बैक एज वेल देर इज नो गार्डन देर इज नो ग्राउंड बट पार्किंग की फ्रंट ऑफ द हाउस में होती है विच इज सेपरेट इसकी भी इमेज मैं पोस्ट कर दूंगा विच इज ईजी फॉर यू टू सी तो आजकल ये ज़्यादा फेमस क्यों है एक तो लैंड कम यूज हो रहा है इन्वेंट्री जिस तरह हमारे पास वैली काफ़ी कम है तो इसमें क्या है थोड़े चीप पड़ते हैं बाय करने में बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा है घरों की दे 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 आर 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 चीप टू मेक एंड दैट्स वेरी फेमस इन फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स एंड द इन्वेस्टर्स तो जो टाउन हाउस होते हैं इनके भी आगे दो टाइप्स ऑफ निकलते हैं नॉट बाय द स्ट्रक्चर बट बाय द टाइप बट बाय हाउ इट इज बींग मैनेज तो कुछ तो होते हैं फ्री होल्ड टाउन हाउस और कुछ होते हैं टाउन हाउस विच आर नॉट फ्री होल्ड जिस विच इज बिंग मैनेज बाय कॉन्डोमियम कारपोरेशन तो इसमें क्या होता है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट होती है एक कॉरपोरेशन होती है विच द मेंटेनेंस ऑफ टाउन हाउस तो इसी को आगे फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं टाउन हाउस के बाद कॉन्डोमिनियम्स तो कॉन्डोमिनियम्स क्या है कॉन्डोमिनियम्स हाई हाँ रेस्ट बिल्डिंग्स होती है फिफ्टीन फ्लोर ट्वेंटी फ्लोर डिपेंडिंग हाउ बिग इट इज तो जैसे अपार्टमेंट्स हैं इंडिया में एक बड़े से फ्लोर में घर बने हैं सबके अपने अपने यूनिट्स हैं तो एवरी वन एज अ सेपरेट यूनिट एंड जो कॉन्डोमिनियम्स हैं दे आर ऑल्सो बीग मैनेज बाय कॉन्डोमिनियम कॉरपोरेशन जिनको हर महीने का कुछ खर्चा जाता है कुछ मेंटेनेंस जाती है 400 हंड्रेड कुछ भी सिक्स हंड्रेड और खुद भी टू और कुछ कॉन्डोमिनियम कॉरपोरेशन के पैसों में आपका हाइड्रो भी कवर्ड होता है और बिल्डिंग इंश्योरेंस भी कवर्ड होती है कॉन्डोमिनियम में बट अगेन इट इट डिपेंड्स आप कहाँ पे खरीद रहे हो कौन सा कॉन्डोमिनियम खरीद रहे हो सोन यू बाय कॉन्डोमिनियम ऑलवेज आज वॉट इज बी कवर्ड वॉट इज नॉट फ्रॉम योर एजेंट these are the types of houses which uh, in canada we you get and you have options to pick from so connect with your realtor and uh, just tell your description what are you looking for and further you can he can help you to find a suitable house for you uh, thanks for watching this video guys and uh, i'll cover the other steps uh, what you have to keep in mind before you buy a first house for yourself next video and uh, please uh, subscribe our channel and uh, click the bell icon to get further notifications. Thank you.